नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। दो हफ्ते के लिए फिर बढ़ा लॉकडाउन, कर्मचारियों के लिए और कंटेनमेंट जोन में आरोग्य सेतु अनिवार्य। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। 4 मई को खुलने वाले लॉकडाउन को अब 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह आदेश आपदा नियंत्रण कानून 2005 के तहत लिया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहतें दी जाएंगी, वहीं रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हवाई, रेल व सड़क यात्रा पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगी। स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। मॉल, धार्मिक स्थान, भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर पूरे देश में प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहतें दी जाएंगी, वहीं रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहरी इलाकों में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अतिरिक्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। इनमें साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ऑनलाइन कैब सेवा, जिले के अंदर और जिले के बीच बसें, नाई की दुकान, स्पा और सैलून आदि सेवाएं शामिल है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही नए दिशा निर्देशों को भी जारी किए गए हैं। इसके अनुसार जिले के अंदर अंदर लोगों और वाहनों को और लोगों को अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में देश भर में जारी कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। जिले के अंदर बसों के संचालन और बस डिपो के संचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि बसों में 50% यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया गया है। आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित फैसले में गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों के फोन में यह ऐप इंस्टॉल होना अनिवार्य है। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मियों के लिए भी इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह संबंधित कंपनी के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि 100% कर्मचारियों के फोन में यह ऐप मौजूद हो। इन गतिविधियों पर पूरे देश में जारी रहेगा प्रतिबंध। इस दौरान हवाई यात्रा, रेल यात्रा, मेट्रो, सड़क से अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान, होटल व रेस्टोरेंट आदि, भीड़ जमा करने वाली गतिविधियों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम, धार्मिक स्थान आदि की सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि मंत्रालय द्वारा चयनित कार्यों के लिए वायु, सड़क व रेल मार्ग द्वारा लोगों की यात्रा को अनुमति रहेगी। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेंगे 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, इन शहरों के बीच होगा सफर। 1,200 यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन शुक्रवार सुबह हैदराबाद से झारखंड के लिए रवाना हुई। यात्रियों को करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन, मास्क पहनना होगा अनिवार्य। यात्रा की शुरुआत में यात्रियों को भेजने वाले राज्य उपलब्ध करवाएंगे भोजन और पीने का पानी। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व पर्यटकों आदि को उनके घर पहुंचाने के लिए यात्रा की अनुमति देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन लोगों की आवाजाही के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक 1 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके बाद रेलवे ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये ट्रेनें तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया, महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, केरल अलवा से ओडिशा के भुवनेश्वर, नासिक से मध्य प्रदेश के भोपाल, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना और राजस्थान के कोटा से हटिया के बीच चलेंगे। रेलवे ने पहली ऐसी ट्रेन शुक्रवार सुबह 4:50 पर हैदराबाद से झारखंड को रवाना की। इस ट्रेन से 1,200 यात्री भेजे गए। गृह मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति देने के बाद रेल मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने कहा कि राज्य ट्रेन पर चढ़ने के स्थानों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग कराएंगे। केवल उन्हीं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखेंगे। लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को ले जाने का किराया राज्यों से वसूलेगी रेलवे। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व पर्यटकों आदि को ले जाने का किराया रेलवे राज्यों से वसूलेगा। रेल मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में यह कहा गया है। रेलवे ने ऐसे लोगों को ले जाने के लिए 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है।
रेलवे के आदेश के मुताबिक इस किराए में स्लीपर क्लास का टिकट, सुपर फास्ट का 30 रुपए शुल्क और भोजन व पानी के लिए प्रति यात्री 20 रुपए का शुल्क शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर शुरू हुई इस सेवा के तहत पहली ट्रेन शुक्रवार सुबह 4:50 पर हैदराबाद से झारखंड के लिए रवाना हुई थी। रेलवे ने कहा कि यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकारें उनका भुगतान करेंगी। बता दें कि 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने के साथ ही लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्र, श्रद्धालु और पर्यटक आदि देश के विभिन्न हिस्सों में फंस गए थे। इन शहरों के बीच चलेगी ट्रेनें। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये ट्रेनें तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया सुबह 4:50, महाराष्ट्र के नासिक से उत्तर प्रदेश के लखनऊ रात 9:30, केरल अलुआ से उड़ीसा के भुवनेश्वर शाम 6:00, नासिक से मध्य प्रदेश के भोपाल रात 8:00, राजस्थान से जयपुर से बिहार के पटना रात 9:00 और राजस्थान के कोटा से हटिया के बीच रात 9:00 चलेंगे। राज्य से अनुमति प्राप्त लोगों को ही मिलेगी यात्रा की अनुमति। रेलवे ने स्पष्ट किया कि ये स्पेशल ट्रेन राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत और अनुमति प्राप्त लोगों के लिए चलाई गई है। किसी भी स्थिति में कोई भी ट्रेन के बारे में पता करने के लिए रेलवे स्टेशन न जाए। रेलवे किसी भी व्यक्ति या लोगों के समूह को टिकट जारी नहीं करेगा। रेलवे केवल उन्ही लोगों को ट्रेन में बैठने की अनुमति देगा जो राज्य सरकार द्वारा वहाँ पे लाए जाएंगे। लॉकडाउन 3, ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की मिली अनुमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। हालांकि केंद्र ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन को कई राहतें दी है। इसके तहत 4 मई से ग्रीन जोन में शराब और पान मसाला व तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्रों में ये दुकानें मॉल या बाजार में स्थित नहीं होनी चाहिए। साथ ही इन दुकानों पर लोगों को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर इन पदार्थों के सेवन की अनुमति नहीं दी गई है। आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करने वाले पर राज्य अधिकारियों द्वारा तय जुर्माना लगाया जाएगा और सजा भी दी जाएगी। लॉकडाउन 3 कैसे तय होगा, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, हर जिले की होगी रिस्क प्रोफाइलिंग। कोरोना वायरस की मार झेल रहे भारत में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले यह 3 मई को खत्म हो रहा था, अब 1 मई यानी शुक्रवार शाम को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के तीसरे संस्करण 4 मई से 17 मई तक की घोषणा की। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। देश को 3 जोन में बांटकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी रहेगी। देश में फिलहाल 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज और 319 ग्रीन जोन में आते हैं। सरकार हर जिले की हफ्ते दर हफ्ते रिस्क प्रोफाइलिंग करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में समय समय पर जानकारी दी जाएगी। राज्यों को अपने जिलों को रेड और ऑरेंज जोन में वर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।